इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 रसायन विज्ञान का दो इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन बताएंगे जो हर साल एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो पहला रिएक्शन आइडोफार्म है और दूसरा हैलोफार्म रिएक्शन। यह आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसलिए हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताएंगे इसके पर। और यह रिएक्शन नंबर 7 है। इसके पहले हमने आपको 6 नेम रिएक्शन बताए थे, यहाँ पर 7 और 8वां बताएंगे। सबसे पहले आप जानिए कि आइडोफार्म अभिक्रिया क्या होती है। वह अभिक्रिया जिसमें एथेनॉल, एथेनॉल का मतलब एथिल एल्कोहल, वह अभिक्रिया जिसमें एथेनॉल की क्रिया क्षार, क्षार मतलब NaOH या KOH की उपस्थिति में आयोडीन के साथ कराने पर आइडोफार्म बनता है। यह अभिक्रिया आइडोफार्म अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जब हम एथेनॉल यानी एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में आयोडीन के साथ करा दें, तब हमको जो है आइडोफार्म मिल जाता है यानी बन जाता है, और यह अभिक्रिया आइडोफार्म कहलाती है। तो देखिए एथेनॉल क्या होता है, आप जानते हैं एथेनॉल CH3CH2OH, इसको एथेनॉल कहते हैं। आप डायरेक्ट इसको C2H5OH के रूप में लिखते हैं। इसकी अभिक्रिया हम क्षार यानी बेस NaOH के साथ करवा दें, NaOH के साथ करवा दें। हम यहाँ 6 मोल NaOH मतलब बेस क्षार लेते हैं और इसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, आयोडीन के साथ। यहाँ पर 4 आयोडीन मतलब I2। तब जब यह रिएक्शन करता है तब हमको मिलता है CH3। यही आपका आयोडोफार्म है, यही आपका आयोडोफार्म है। और हमको इसके अलावा भी जो है मिलता है वह क्या है, सोडियम फार्मेट HCONa। यहाँ पर एक एन है तो यहाँ पर जो है सोडियम फार्मेट, इसको आप नाम लिख लीजिए सोडियम फॉर्मेट, यह सोडियम आपका फॉर्मेट है। और इसके अलावा आप भी आपको कुछ मिलता है वह क्या है, 5 मोल सोडियम आयोडाइड बनता है और 5 मोल आपका जो है H2O मतलब वाटर बाहर निकलता है। यह अभिक्रिया जो है आइडोफार्म अभिक्रिया कहलाती है। फिर से एक बार देख लीजिए, जब हम एथेनॉल, एथेनॉल यानी आप इसी को एथिल एल्कोहल भी कहते हैं, एथिल एल्कोहल, एल्कोहल की एथिल एल्कोहल को क्षार की उपस्थिति में यानी NaOH की उपस्थिति में आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराने पर हमको आइडोफार्म मिलता है और सोडियम फार्मेट और सोडियम आयोडाइड और 5 मोल जो है जल बाहर निकलता है। चलिए रिएक्शन नंबर 2 देखिए, हैलोफार्म रिएक्शन। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको एकदम ध्यान से देखिए। हैलोफार्म रिएक्शन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें कीटोन समूह युक्त यौगिक कास्टिक क्षारों की उपस्थिति में हैलोजन से क्रिया करके हैलोफार्म यौगिक बनाते हैं, यह अभिक्रिया हैलोफार्म अभिक्रिया कहलाती है। देखिए हैलोफार्म अभिक्रिया में हम कीटोन कीटोन का कोई भी कंपाउंड लें, कोई भी यौगिक लें, केवल उसमें कीटोनिक ग्रुप रहना चाहिए और उसकी अभिक्रिया हम क्षार मतलब जिसे NaOH या KOH के साथ के उपस्थिति में किसी हैलोजन के साथ, हैलोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी के साथ करवाते हैं, तब हमको हैलोफार्म मिलता है और यह अभिक्रिया हैलोफार्म अभिक्रिया कराती है। देखिए हम आपको ले लें एसीटोन, एसीटोन आप जानते हैं क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यह आपका एसीटोन है, आप इसको एसीटोन कहते हैं। यह एसीटोन है, देखिए इसमें कीटोनिक ग्रुप है,
या इसमें कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, कीटोन समूह युक्त यौगिक लेते हैं हम, या कीटोन युक्त समूह है इसको हम कहते हैं कीटोन। और इस हम इसको जो है देखिए कास्टिक क्षार, कास्टिक क्षार का मतलब हमने आपको बताया कि एन ए ओ एच या के ओ एच लेते हैं, एन ओ एच और के ओ एच एक क्षार हैं, और इसको 4 मोल हम लेते हैं। और इसकी अभिक्रिया हम किसी कास्टिक क्षारों की उपस्थिति में हाइलोजन से क्रिया कराते हैं। हाइलोजन मतलब हमने आपको बताया कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आप कुछ भी ले लीजिए, तो हम यहाँ पर हाइलोजन के रूप में 3 Cl2, Cl2 मतलब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तब हमको CH Cl3, यहाँ से जो है Cl3 Cl हमको मिल जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं हैलोफार्म, या आप इसी को क्लोरोफार्म कहिए। तो हम लिख दे रहे हैं हैलोफार्म, हैलोफार्म। हैलो फार्म, हैलो फार्म, आप इसी को लिख लीजिए क्लोरो फार्म भी कहते हैं, आप ब्रैकेट में लिख लीजिए क्लोरो, क्लोरो फार्म, इसी को क्लोरो फार्म भी कहते हैं। और इसके अलावा भी बनता है, 3 मोल सोडियम क्लोराइड मिलता है, प्लस हमको जो है एसीटेट, सोडियम एसीटेट भी मिलता है, सोडियम एसीटेट भी मिलता है। और इसके अलावा 3 मोल हमको जो है पानी बाहर निकलता, पानी मतलब H2O। सो फ्रेंड्स, यदि अब आपको समझ में आया हो तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे।